Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. अगर आप पहली दफ़ा इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सकें। इस चैनल पर बहुत सारी टॉपिक्स पर आपको वीडियोस मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट चेक करना ना भूलें, कोई 5,500 से ज़ायद दुरूस मुख्तलिफ टॉपिक्स से रिलेटेड इसमें मौजूद हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे साथ बंधे रहेंगे। आइए आज के दर्स का आगाज़ करते हैं। जैसा कि मैंने आपसे चंद दिन पहले ज़िक्र किया था कि जुमे को इमाम काबा पर हमले की एक कोशिश को नाकाम बना दिया गया। वो आदमी अहराम में मलबूस था और वो डंडा लेकर इमाम काबा की तरफ दौड़ा जबकि वो जुमे का खुतबा दे रहे थे। और जैसा मैंने आपको बताया था उस वीडियो में कि एक सीढ़ी होती है, आगे दरवाज़ा होता है, सीढ़ी के ऊपर इमाम खड़ा होता है, खुतबा देता है और दरवाज़े के पास सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं। अब उस बंदे ने जब हमला किया तो उस वक्त तो हमें उसकी वजह पता नहीं थी, लेकिन गल्फ़ न्यूज़ के मुताबिक ये वजह हमें अब डिस्क्लोज कर दी गई है कि वो आदमी फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल सऊदी अरब ही का शहरी था। बहुत सारे लोग स्पेकुलेट कर रहे थे, ये समझ रहे थे, सोच रहे थे कि शायद वो कोई गैर मुल्की था कि जिनकी सऊदी अरब के लोगों से बनती नहीं तो इसलिए उन्होंने इस किस्म की कोई हरकत की है। लेकिन ये शख्स सऊदी अरब ही का बाशिंदा निकला और वजह क्या थी, वो अपने आप को इमाम महदी डिक्लेयर करने के लिए वहाँ पर टूट पड़ा और उसकी यही वजह थी कि मैं इसको टेक ओवर करूँगा और उसके बाद यहाँ से इस माइक्रोफोन से ये ऐलान करूँगा कि मैं इमाम महदी हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह अल अज़ीम। तो बहरहाल ये उसकी चंद एक तफसीलात हैं जो मैंने मुख्तसर वीडियो में इसलिए रिलीज़ की क्योंकि उस वक्त ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी, इसलिए मैं आपसे शेयर नहीं कर सका। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपको रिमाइंड कराता चलूँ कि सैयद साद कादरी इंग्लिश चैनल एक है और इसी तरह मैंने अभी रिसेंटली सैयद साद कादरी कुरान रेसिटेशन का चैनल भी लॉन्च किया है। तो इन दोनों चैनल्स को विज़िट करना, इन्हें सब्सक्राइब करना, इनमें वीडियोस देखना ना भूलें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बेल के आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सके और आप हमें हमारे लाइव सेशंस में भी ज्वाइन कर सकें। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।